गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है। मैं वेस्टीज में सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। आज के इस सेशन में मैं बताऊंगा कि हमें सबको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। देखिए, आजकल सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है, काफी लोग कहते हैं कि हमें टाइम नहीं है, लेकिन वो बिजी रहते हैं पबजी में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उस चीज के लिए टाइम होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो उनके पास टाइम नहीं होता, वो कहते हैं कि हम बहुत बिजी रहते हैं। तो देखिए, ये इसमें कुछ टाइम के लिए आपको तपना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए बिजी होना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग में, और टाइम निकालेंगे तभी निकलेगा, वरना अपने आप से वो टाइम कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप टाइम तभी निकाल पाएंगे जब आपको अपना वाई क्लियर होगा कि आप क्यों कर रहे हैं। जितना ज्यादा क्यों आपका स्ट्रांग होगा, उतना ही ज्यादा प्रायोरिटी आपकी बन जाएगी ये बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग जिसका नाम है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको जीवन जीने का एक तरीका सिखाएगी, और ये करते करते आप इतना स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपके आने वाली जिंदगी में जो भी कठिनाई आएगी उसका आप सामना डट के कर पाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारी ग्रूमिंग मिलेगी, बिल्कुल आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, इवन आपका आने वाली जनरेशन की भी जिंदगी चेंज हो जाएगी। और लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आएंगी, प्रॉब्लम आपको फेस करना होगा, और जितनी ज्यादा आप प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे उतना ही ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को काफी लोग मुश्किल बना देते हैं, क्योंकि अलग अलग धारणाएं होती हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक सिंपल सा चीज है जो अभी भी मार्केट में हो रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका प्रमोशन किया जाता है, और प्रमोशन जो किया जाता है उसका कमीशन मिलता है। तो जो जो भी आपके मार्केट में सामान बिकता है वो उसकी भी कोई मार्केटिंग करता है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, माधुरी दीक्षित हो, विराट कोहली हो, वो सब उसकी प्रमोशन करते हैं और फिर उनको कमीशन मिलता है, उनको इनकम मिलती है। और ये जो सेलिब्रिटी है, इनको क्या जरूरत है ये इस चीज की मार्केटिंग करने की, और वो भी ऐसे प्रोडक्ट्स की जो वो खुद यूज नहीं करते। लेकिन आप उठा के देखेंगे, आप उनका सर्वे जो शेयर होता रहता है सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर पे, आप देखेंगे तो जो उनका एक्चुअल प्रोफेशन है उसमें उनकी इनकम कम है, लेकिन मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो इनकम आती है वो ज्यादा है। तो देखिए, जब उनको भी जरूरत है तो हम क्यों इसको नहीं करते, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते और हम इस पे ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे पाते। हम एक ऐसे टाइम का वेट करते रहते हैं, वो पता नहीं कब आएगा, लेकिन वो समय हमारे हाथ में है। हम अगर ठान लें तो वो चीज हम अभी भी करके दिखा सकते हैं। तो देखिए, आज के सेशन में आपको वाई क्लियर किया जाएगा। आपका आप में से सबका अलग अलग वाई हो सकता है, लेकिन वो वाई अगर स्ट्रांग हो कर लेंगे आप पहचान लेंगे, तो फिर आप इस बिजनेस में अनस्टॉपेबल हो जाएंगे और एक अच्छा काम कर पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे फेमस लोग हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी हैं, उन्होंने बोला है कि अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी सब लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। अब देखिए, नेटवर्क तो कोई भी बिजनेस नेटवर्क बनाए बिना नहीं हो सकता। आप चाहे एक छोटा सा दुकानदार भी देख लें जो किराना स्टोर है, वो भी अपने कस्टमर का एक नेटवर्क बनाता है। और काफी लोग कहते हैं इस बिजनेस में आके कि मेरे कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, अब वो दुकानदार भी तो कॉन्टेक्ट बनाता है। तो देखिए, अगर अमीर बनना है तो एक नेटवर्क बनाना होगा, वरना तो आप जॉब करें उसमें एक साधारण ही बने रहेंगे। अगर कुछ असाधारण इनकम चाहिए तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना होगा, जिसमें जो थोड़ा मुश्किल हो सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन आगे मुश्किल नहीं होता, आगे आसान हो जाता है। फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था, नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ कारोबार है, जो बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रहा है, जिससे हर युवा और महिला को अच्छी तरह से शामिल होकर पूरे जोश और जुनून के साथ करना चाहिए, तभी वो अपनी एज का बेस्ट हासिल कर पाएंगे। जो उनकी एज में वो बेस्ट पाने के हकदार हैं वो कर पाएंगे। दुनिया के सबसे अमीर इंसान रह चुके हैं बिल गेट्स, अब नहीं है, लेकिन अब एलन मस्क हो चुके हैं। लेकिन बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, उन्होंने बोला कि अगर मेरा सब कुछ खत्म हो जाए तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा।
अब देखिए इतने सारे लोग जोमैटो मार्केटिंग को एक अच्छा ऑप्शन बता रहे हैं, तो हम सब क्यों नहीं समझ रहे? ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग पहले नेगेटिव फेज में थी, लेकिन धीरे धीरे ये पॉजिटिव फेज में आ रही है। और 2019 के सर्वे के हिसाब से 2.47 बिलियन डॉलर्स का काम हुआ था इंडिया में, और इंडिया की वर्ल्ड में 15th रैंक आई थी। अब देखिए अमेरिका की बात करें, अमेरिका की 32 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन उसका शेयर है, कंट्रीब्यूशन है पूरी वर्ल्ड की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 20% का। वहीं इंडिया की 132 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन शेयर आता है 1%। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट है, देखिए जब अमेरिका में इतना ज्यादा बिजनेस हो रहा है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तो हम सब लोग भावनों में लगे रहते हैं और हमें अपना वाई हम क्लियर नहीं कर पा रहे, लेकिन पोजीशन अब सुधर रही है और इंडिया डायरेक्ट सेलिंग की 15th रैंक आ चुकी है। तो देखिए इतना जब पॉपुलर हो रहा है तो हमें भी एक कदम आगे करना होगा नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, और जो इसकी आने वाली जो इसमें जो प्रॉब्लम्स आती है वो हम इसको उन प्रॉब्लम्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना माने, वो भी हर बिजनेस में आती है, हर जॉब में आती है अलग अलग रूप में। तो जब हम वहां पे डट के सामना करते हैं तो यहाँ पे भी हमें करना चाहिए। तो देखिए अगर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट जैसे मैंने सेशन के स्टार्टिंग में बताया था, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे रिटायर्ड पर्सन हो, चाहे कोई कोई किसी भी प्रोफेशन में हो, सब लोगों के लिए क्यों जरूरी है वो आज क्लियर होगा। तो अगर कोई स्टूडेंट है उसे ये एक बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सिखाया जाए कि वेल्थ कैसे बनाई जाए, यहाँ पे आपको बताया जाए कि आप अपने सपनों को कैसे पूरा करने के लिए कैसे काम कर सकते हैं। अगर नौकरी करते हैं वहां पे आप दूसरों के सपने पूरे करते हैं, जो आपका बॉस होगा उसके सपने पूरे होंगे, आपके सारे सपने पूरे नहीं होंगे। और तो जो एजुकेशन हमारा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में यही सिखाया जाता है कि दूसरों की वेल्थ कैसे इंक्रीज करी जाए, लेकिन यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि आप अपनी खुद की वेल्थ कैसे बनाए। चाहे आप BBA ले लीजिए, चाहे आप MBA ले लीजिए, उसमें आपको बताया जाए कि दूसरों का बिजनेस कैसे इंक्रीज करा जाए, लेकिन यहाँ पे आपका खुद का बिजनेस होगा और एज अ स्टूडेंट आपको सिखाया जाएगा कि आप अपनी खुद की वेल्थ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बताएगा। साइकोलॉजी देखिए एक पूरा कोर्स होता है, डिग्री कोर्स भी होता है, तो सब्जेक्ट भी होता है। तो यहाँ पे आपको साइकोलॉजी सिखाई जाएगी, क्योंकि आपकी टीम में आपके साथ जो बिजनेस में आएंगे अलग अलग साइकोलॉजी के लोग होंगे, सबकी अलग अलग वे ऑफ थिंकिंग होगी। तो जब आप उनसे डील करेंगे तो आपको आ जाएगा कि किस टाइप के लोगों से, किस थिंकिंग वाले लोगों से किस टाइप से डील करना है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे मिल रही है जो किसी भी एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट को नहीं मिलती। आपको यहाँ सेल्स एंड मार्केटिंग कराई जाएगी। देखिए सेल्स एंड मार्केटिंग का पूरा कोर्स होता है, BBA में एक ब्रांच होती है मार्केटिंग, MBA में भी एक ब्रांच होती है मार्केटिंग, उसमें पैसा दे के सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो ये आपको सिखाया जाएगा कि कैसे अपनी एक ब्रांड इमेज बनाएं और नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे अपनी जो सर्विसेज है, नेटवर्क मार्केटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसे शेयर करें। तो यहाँ पे आपको फ्री में काम हो रहा है, वहां पे आपको कॉलेज में आपको पैसे देने होंगे, लेकिन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि एजुकेशन लेना जरूरी नहीं है, लेकिन एजुकेशन लेंगे तो वो आपको लॉन्ग रन में फायदा करेगा, आप अपने कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे यहाँ पे रह के। लेकिन स्टूडेंट्स को यहाँ वो एक्सपोजर मिलेगा जो नॉर्मल कॉलेज में, नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में नहीं मिल सकता। आपकी एक पर्सनैलिटी बनेगी, आप देखेंगे आप जहाँ 2-3 साल तक यहाँ लगे रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप खुद देना चाहें, तो आपकी बिल्कुल पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के कोर्सेज होते हैं जिसमें बहुत पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं जो पर्सनैलिटी जहाँ पे ग्रूम कराई जाती है, और लोग वहाँ खूब पैसे देते हैं, हजारों पैसे देते हैं, महीने महीने के कोर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। अगर आप वहां से कोर्स करते हैं, कोई स्टूडेंट वहां से कोर्स करता है, शायद उनको इतना एक्सपोजर ना मिले जितना यहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करना होगा, उनके सामने कैसे पेश होना है, अपने आपको कैसे प्रेजेंट करना है, वो सब आपको सिखाया जाएगा। आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आएंगी। देखिए
एक स्टेज फियर होता है, जैसे आजकल के जो स्कूल्स हैं उसमें स्टेज एक्सपोजर कराया जाता है, लेकिन हम सब के जमाने में स्टेज एक्सपोजर बिल्कुल नहीं हुआ करता था, एक स्टेज फियर होता है, तो वो यहाँ पे आपका पूरा हटा दिया जाएगा और आपको पब्लिक के सामने कैसे एड्रेस करना है वो सब आपको सिखाया जाएगा। तो ये आपको कहीं नॉर्मल जिंदगी में नहीं मिल सकता। आपको एक लीडरशिप क्वालिटी सिखाई जाएगी, क्योंकि जब आपके टीम साइज ग्रो होगा आप एक लीडर बन जाएंगे, काफी सारे लोग होंगे जो आपको फॉलो करेंगे, तो आप में लीडरशिप क्वालिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको सक्सेस के प्रिंसिपल्स भी सिखाए जाएंगे कि सक्सेस कैसे पाई जाए, और ये सक्सेस जो कैसे पाई जाए ये केवल आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ही हेल्प नहीं करेगी, बाकी के आप जिस भी प्रोफेशन में है उसमें भी आपको हेल्प करेगी। क्योंकि देखिए एज अ स्टूडेंट लाइफ में इतना एक्सपोजर नहीं मिलता, फिर बाद में जाके वो जॉब करते हैं तभी उनको सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा और ये आप बिल्कुल एक चेंज हो जाएंगे, आपकी बिल्कुल जिंदगी बदल जाएगी। तो एज अ स्टूडेंट ये बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें आपको फायदा होंगी। उसी के साथ साथ हाउसवाइफ्स के लिए बहुत ही एक रिमार्केबल बिजनेस है, क्योंकि ये बिजनेस घर पे रह के भी किया जा सकता है। हाउसवाइफ्स के साथ तो प्रॉब्लम होती है कि घर भी संभालने हैं, बच्चे भी संभालने हैं, तो वो कहीं बाहर जाना नहीं चाहती। हालांकि अभी काफी लोग वर्किंग हैं, लेकिन फिर भी एक अगर घर से ही कुछ काम करने का प्रोविजन मिल जाए तो वो उससे अच्छी और कोई बात नहीं होती। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है। आप देखिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस भी अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं और ऑफलाइन मीटिंग्स में भी जा सकते हैं। और बीइंग अ हाउसवाइफ आप अपने कंफर्टेबल टाइम पे भी मीटिंग्स अरेंज करा सकती हैं अपने अपलाइन के साथ बैठ के। तो एज अ हाउसवाइफ ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है और आपको एक पहचान मिल जाती है एज अ हाउसवाइफ, वरना हाउसवाइफ को छोटे छोटे डिसीजन के लिए, छोटे छोटे खर्चों के लिए अपने हस्बैंड पे डिपेंड होना पड़ता है, या शादी से पहले अपने भाई अपने फादर पे डिपेंड होना होता है। यहाँ पे आपको एक आत्मनिर्भरता मिलेगी जिसमें आपको छोटे छोटे खर्चों के लिए भी अपने हस्बैंड या फादर या ब्रदर पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आपका खुद की एक पहचान होगी और लोग बाग आपको जानेंगे, आपके हस्बैंड को आपके नाम से जानेंगे। देखिए मैं भी एक हस्बैंड हूं, लेकिन मैं भी ये कह रहा हूं क्योंकि हाउसवाइफ के लिए भी ये बहुत जरूरी है काम, और हर हाउसवाइफ को मिलेगा कि जिंदगी अपनी शर्तों पे जिए, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए इसमें एक कंफर्टेबल टाइम भी आपको मिलेगा कि आपको आपको के फिक्स टाइम नहीं है कि आपको 9 to 5 जॉब के लिए जैसे जाना होता है, तो वर्किंग लेडीज जो होती है उनके लिए मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है कि घर का भी संभाले और फिर 5 बजे आके 5 to 6 बजे आके फिर घर का खाना भी बनाए, तो वो प्रॉब्लम होती है। यहाँ आप अपने कस्टमाइज टाइम पे करिए, पूरे दिन में कोई भी 1 घंटा हो 2 घंटा हो वो आप दीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, लोगों को बताइए, अपने हिसाब से आप काम कर सकते हैं किसी भी टाइम, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी। जैसे मैंने बताया कि छोटे छोटे खर्चों के लिए कहीं पे किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है और हस्बैंड पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। वहीं बिजनेसमैन के लिए ये बहुत जरूरी है। देखिए स्टूडेंट्स के लिए मैंने बता दिया, हाउसवाइफ के लिए बता दिया, अब बिजनेसमैन के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता। अगर आप छोटे से छोटा एक दुकान भी खोलेंगे आपको 50-1 लाख रुपए लगेंगे और रिटर्न कब आएगी कोई आइडिया नहीं। यहाँ पे देखिए आजकल हर चीज उधार पे है और कोरोना काल के बाद उधार सिस्टम बहुत ज्यादा हो गया है। हर पंसारी की दुकान पे, हर दवाई की दुकान पे, इवन ब्रेड दूध वालों की दुकान पे भी उधार पे एक खाता सिस्टम चलता है और वो सब चीज आपको उधार पे मिलती है, और वो शुरू शुरू में 15 दिन, फिर 1 महीना, फिर 2 महीने तक भी पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज आपको उधार की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली पैसा देना है और सामान खरीदना है, वही आपके पूरे टीम मेंबर्स को करना है, तो कोई उधारी का चक्कर नहीं। और एक सबसे अच्छी बात है यहाँ पे पैसिव इनकम मिलेगी। देखिए बिजनेसमैन ने जैसे कोरोना काल में केवल एसेंशियल आइटम के जो बिजनेस था वो चला, बाकी सब बंद रहे, कोई इनकम नहीं आई। यहाँ पे आपको एक ऐसी इनकम मिलेगी जो अगर आप सो रहे होंगे तब भी आपको पैसा आएगा, अगर आप महीने के महीने कहीं घूमने जाएंगे फैमिली के साथ तब भी आपको पैसा आएगा,
और कोई लॉकडाउन हो, लॉकडाउन में भी कोई ऐसा नहीं पड़ता, क्योंकि अब लॉकडाउन भी एक इम्पोर्टेंट चीज बन चुका है, जो जिसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि आगे ना आए, आगे भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पैसिव इनकम मिलेगी, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे एक इनहेरिटेबल इनकम भी मिलती है। देखिए, जो भी इंसान धरती पे आता है उसे कभी ना कभी जाना होता है, तो यहाँ आपको एक इनहेरिटेबल इनकम मिलती है। किसी भी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस की वजह से अगर कुछ अनहोनी हो गई, तो हमारे बाद ये बिजनेस एज इट इज ट्रांसफर हो जाता है हमारी नॉमिनी को। तो ये और कहीं बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। अगर किसी की फैक्ट्री है तो ये पॉसिबल नहीं है कि वाइफ उसको संभाल सके। तो लेकिन यहाँ पे जिस भी लेवल पे होंगे, वो लेवल पे एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा नॉमिनी पे, चाहे वाइफ हो या हस्बैंड हो, जो भी है उनको ट्रांसफर हो जाएगा, और वो वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ये जनरेशन का बिजनेस हो गया कि आपकी आगे आने वाली जनरेशन पे भी ये पास ऑन होता रहेगा, और उनको फिर से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा जीरो से। जिस लेवल पे आप छोड़ेंगे उस लेवल से ही वो आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। अब देखिए, ये एक बहुत मेजर खर्चा होता है किसी भी बिजनेस में, एम्प्लॉयज की सैलरी। यहाँ पे कोई स्टाफ ही नहीं है, ना कोई आपका ऑफिस है, ना कोई स्टाफ रखने की जरूरत है। आप बस अपना खरीदारी करिए, लोगों को बताइए, सैलरी देने का कोई चक्कर नहीं है। और देखिए, इसमें कोरोना काल में तो इनकम तो कुछ हुई नहीं, लेकिन जो स्टाफ रखा गया था वो तो सैलरी देनी ही पड़ी। और कोई भी लीगल वर्क की जरूरत नहीं है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत परेशान करता है हर बिजनेसमैन को। जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, और जीएसटी, अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, जो लोग बिजनेस से रिलेटेड है उनको तो पता होगा, जो लोग जॉब करते हैं वो बोलते होंगे कि जीएसटी कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। जीएसटी जब शुरू हुआ था तब बहुत सिंप्लीफाइड उसको प्रोजेक्ट करा गया था, सिंप्लीफाइड, लेकिन दिन पर दिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि उसके लिए स्टाफ अलग से रखना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बाकी आप कोई बिजनेस शुरू करेंगे तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट भी लग जाते हैं, लेबर डिपार्टमेंट है, मापतोल विभाग है, और इतने सारे विभाग है कि वो सब आपको परेशान करते हैं। यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है। और जैसे कि आपको पता है कि हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करप्ट है किसी लेवल तक, तो वो करप्शन के भी यहाँ कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई लीगल वर्क नहीं है। सब डिपार्टमेंट से मुक्त है ये बिजनेस। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि ये काम करने के लिए कोई भी बेसिक एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। कोई रिस्क नहीं है कि आपको निकाल लिया जाएगा। इस समय तो सबको खटका लगा रहता है कि कोई कोरोना काल के बाद बहुत ज्यादा खतरे में है, हर नौकरी करने वाला इंसान बहुत ज्यादा खतरे में है। उनको उनको बिल्कुल निचोड़ा जा रहा है, और उनको पहले से ज्यादा काम लिया जा रहा है, क्योंकि उनको सबके मन में है कि कभी भी उनको निकाला जा सकता है। और जो बॉसेस हैं वो भी बहुत पर्टिकुलर हो गए हैं, जो परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है उन्हीं को रख रहे हैं, और पैसे के हिसाब से इंक्रीमेंट तो हुआ ही नहीं है। इंक्रीमेंट तो दिया ही नहीं है, लेकिन उनसे काम डबल लिया जा रहा है। आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। पहले कम से कम टाइम होता था कि 9 to 5 जॉब करनी है, काम करना है, लेकिन अब वो 24 आवर्स हो गया है। कभी भी बॉस का फोन आ जाता है कि अब ये काम करो। तो यहाँ पे ये चक्कर नहीं है, कोई डेंजर नहीं है सैलरी कट का। काफी लोगों की सैलरी कट कर दी गई है 30 से 40% की, और ये किया जा सकता है। अपने जॉब के रूटीन को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आप पार्ट टाइम में ये कर सकते हैं, जब यहाँ से अच्छी खासी सैलरी आने लगे आप वो बिजनेस, वो जॉब आप बंद कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई डिमोशन की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए, जॉब में एक लेवल पे आके फिर जॉब ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके एक्सपीरियंस ज्यादा है तो वो आपको मुश्किल होगी आगे स्विच ओवर करने में। तो आप हो सकता है कॉम्प्रोमाइज करें और डिमोशन एक्सेप्ट कर लें, या किसी आपकी परफॉर्मेंस की वजह से, खराब परफॉर्मेंस की वजह से आपको डिमोट कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, आप खुद यहाँ के बॉस हैं। आपने जो एक लेवल अचीव कर लिया, आप उसके आगे ही जाएंगे, पीछे कभी नहीं आ सकते। और सबसे अच्छी बात है, लॉकडाउन फ्री है। देखिए, लॉकडाउन का यहाँ कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो बिजनेसमैन के लिए भी जरूरी है, अच्छा है, और वर्किंग प्रोफेशनल्स के भी जरूरी है, अच्छा है। देखिए, जो रिटायर्ड पर्सन है, देखिए, रिटायरमेंट की एज पे कुछ काम नहीं होता है लोगों के पास, और वो देखिए, खाली मन शैतान का घर होता है, अजीब अजीब से थिंकिंग हो जाती है। तो रिटायर्ड पर्सन को भी एंगेज रखने का ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इससे उनको प्लेटफॉर्म मिलता है कि लोगों से इंटरेक्ट कर सके, और
रिलेशनशिप बनाए, क्योंकि उस समय देखिए करने के लिए काम नहीं होता, और अगर कोई किसी भी रेपुटेड पोजीशन पे होता है तो वो जब तक कुर्सी पे होता है तब तक ही उनको पूछा जाता है, उसके बाद नहीं पूछा जाता। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप बनाए बना सकते हैं, अपना सोशल सर्कल वो बना सकते हैं। और देखिए उस उम्र में काफी घरों में उनको अपने बच्चों पे डिपेंड होना पड़ता है, तो यहाँ पे उनको बच्चों पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं, उनका खुद की इनकम होगी और रिटायरमेंट के बाद भी एक इंक्रीजिंग पैटर्न में इनकम आती रहेगी। और उन्हें अच्छा लगेगा कि लोगों की जिंदगी बदलने के लिए वो काम करें। देखिए उनका तो सब हो गया, उन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली, लेकिन अब वो उस स्टेज पे आके एक ऐसा काम करेंगे जिसमें लोगों की जिंदगी बदल सके और उनको आत्मनिर्भर बना सके, तो उनको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होगी। अब देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का ये कुछ कंपैरिजन है कि एम्प्लॉयमेंट वर्सेस मतलब जॉब वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। तो जहां तक कैपिटल की बात करें, कोई भी जॉब लेने के लिए आपको 16 साल तक स्कूलिंग करनी पड़ती है और उसके लिए ट्यूशन फी देनी पड़ती है, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट होता है। वहीं ट्रेडिशनल बिजनेस में जितना ज्यादा आप कैपिटल लगाएंगे, जितना ज्यादा आप पैसा लगाएंगे, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में कैपिटल कुछ भी नहीं होता, केवल आपको जो पैसे देते हैं वो घर का सामान ही खरीदना होता है और प्रॉफिट बहुत हाई होता है। तो देखिए कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपैरिजन है। और ओवरहेड एक्सपेंसेस अगर लगा लें तो जॉब करते हुए आपको आने जाने का खर्चा, खाने का खर्चा, वो सब बियर करना पड़ता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर कोई भी आप बिजनेस खोलेंगे तो उसका रेंटल होगा या उसको आप परचेज करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होगा। स्टाफ की सैलरी होगी, बिल बुक छपानी होगी, बिल्स अगर आप जैसे जीएसटी रूटीन में अगर आप खुद कैपेबल नहीं है तो आपको स्टाफ रखना होगा, ऑफिस का जो फर्नीचर होगा वो आपको करना होगा, तो वहां खर्चा होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में केवल आपको आने जाने का खर्चा और फूड एक्सपेंसेस आपको करने पड़ेंगे, लेकिन शुरुआत में जो आपने खर्चा किया था एजुकेशन में उसकी कोई यहाँ जरूरत नहीं है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में देखिए एक रिस्क नहीं है, ज्यादा रिस्क नहीं है, एक स्टेबल है, मतलब रिस्क बस इतना है, इस लेवल का है कि आपको परफॉर्मेंस अच्छी करनी है, और अगर परफॉर्मेंस कुछ भी डाउन हुई तो आपको रिस्क है कि आप फायर होने के आपके चांसेस है, लेकिन लिमिटेड इनकम है, बहुत ज्यादा हाई इनकम नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने कोई गलती से कुछ स्टार्टिंग स्टार्ट तो कर लिया लेकिन वो आप उसका कस्टमर क्लाइंटल नहीं बना पाए तो वो आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, या आपने बिजनेस स्टार्ट किया और वो एक ऐसा यूनिक बिजनेस था जिसमें बहुत अच्छी रिटर्न शुरुआत में आई लेकिन उसके बाद लोगों की नजर पड़ गई और आसपास बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस खोल लिए, तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा है और आपका सारा मार्जिन खत्म हो सकता है ऐसे केसेस में। नेटवर्क मार्केटिंग में रिस्क कोई नहीं है, जो पैसा दिया आपने सामान लिया घर पे आ गए यूज कर लिया, तो रिस्क फैक्टर तो कुछ भी नहीं है। स्किल्स की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में आपको स्किल्स की जरूरत होती है, आपको कोई भी जॉब आसानी से नहीं मिल सकती। अगर आपको इंजीनियर की जॉब की है तो आपको इंजीनियरिंग आनी चाहिए और बेसिक स्किल्स आपकी कुछ होनी चाहिए। अगर आप टेलर की जॉब करेंगे तो आपको टेलर की नॉलेज होनी चाहिए, सिलाई करने की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप अकाउंटेंट है तो आपको अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। ट्रेडिशनल बिजनेस में बिजनेस की स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, एक बिजनेस माइंड होना चाहिए, तो यहाँ पे भी स्किल्स चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर स्किल्स नहीं चाहिए, यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग आपको मिलती है और यहाँ पे बस आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप दूसरों से रिलेशन बना सके, चाहे वो आप लिटरेट हो चाहे अनएजुकेटेड हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, आपको लोगों से रिलेशन बनाने और उसकी भी आपको यहाँ ट्रेनिंग मिलती है। टाइम की बात करें तो जॉब में आपको 12 घंटे डेली देने पड़ सकते हैं, 8 घंटे की जॉब होती है, बाकी आना जाना तैयारी, आगे कुछ अगर टास्क मिला उसकी तैयारी, तो 12 घंटे लग जाते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप काम नहीं करेंगे, टाइम नहीं देंगे, तो कोई पैसा नहीं आने वाला। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको समय की आजादी मिलेगी और आपका बहुत सारा टाइम की बचत होगी, आप वो टाइम अपने परिवार के साथ लगा सकते हैं, तब भी आपको पैसा आता रहेगा। जॉब में प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि लोग बाग अपने खुद के सपने पूरे कर सकें, बहुत हाई लेवल पे हो सकता है करें लेकिन वहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी होगी, तो रिस्क यहाँ पे आप अपने सपने पूरे कर सकें उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ट्रेडिशनल बिजनेस में
हो सकता है मिल जाए, सारी चीजें हो जाए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप अपने सपने पूरे कर सकेंगे। अब ये कंपैरिजन है कि हम वर्किंग आवर्स कितने होते हैं जॉब में, लेकिन कोई भी इंसान 8 घंटे के लगभग काम करता है, आने जाने का घंटे आप हटा दीजिए, आप 8 घंटे मान लीजिए, और सैटरडे संडे की छुट्टी अगर मान ले तो 5 दिन हफ्ते में काम करता है, तो लगभग 40 घंटे एक हफ्ते में काम होता है। लगभग 50 सप्ताह वो काम करेंगे एक साल में, लगभग एक साल में 50 सप्ताह होते हैं, 50 × 40 ये हो गए 2000 घंटे एक साल में। और किसी की भी वर्किंग एज 40 साल होती है, 20 साल में अगर जॉब लगी तो 60 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा, तो 2000 × 40 मतलब पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे कोई भी काम कर सकता है अकेले। अगर 10,000 लोग नेटवर्क मार्केटिंग में लगा दिए उन्होंने और वो डेली 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो 80,000 घंटे एक ही दिन में हो गया। तो अगर काम ज्यादा होगा तो पैसा ज्यादा आएगा। आप देखिए जॉब की अगर फुल फॉर्म देखें तो जॉब होती है जोकर ऑफ द बॉस। आप कितना भी कुछ कर लें, जो बॉस कहेगा वही आपको करना होगा। बॉस के इंस्ट्रक्शंस काफी एग्रेसिव भी हो सकते हैं, आपके वो टाइम भी ज्यादा ले सकते हैं। तो पूरी जिंदगी में आप 80,000 घंटे के लगभग काम करें, बिल्कुल मिनिमम है, इससे ज्यादा ही करते होंगे। अगर एक एवरेज इनकम ले लें 20,000 की, तो 20,000 × 12 महीने × 40 साल हो गए 96 लाख रुपए। तो 96 लाख रुपए कमाने के लिए आप 80,000 घंटे लगाते हैं, मतलब आपका एक घंटा 120 रुपए के लगभग होता है, आप हर घंटे 120 रुपए कमाते हैं। वही अगर नेटवर्क मार्केटिंग आपने अच्छे से कर ली, शुरुआत में 5 साल की मेहनत कर ली, तो आपकी कम से कम 1 लाख रुपए महीना पहुंच जाएगी। और 5 साल ऐसे ही नहीं निकालना है, 5 साल आपको मेहनत करके निकालना है। तो आपके बचे 35 साल, तो आपको 1 लाख रुपए महीने से भी ज्यादा आएगा, और स्टार्टिंग में भी पैसा आएगा, ऐसा नहीं है 5 साल के बाद ही 1 लाख आएगा। तो अगर 1 लाख का ही एवरेज लगा रहे, तो 1 लाख × 12 महीने × 35 साल ये हो गए 4,20,00,000। तो आपने इसके लिए काम कितना किया, आपने 330 दिन काम किया 5 साल तक, क्योंकि हो सकता है सैटरडे संडे भी आपको मेहनत करना पड़े, मीटिंग ट्रेनिंग करनी पड़े, तो 5 घंटे आपने डेली दिया, तो हो गए 8,250 घंटे। तो टोटल इनकम आपने नेटवर्क मार्केटिंग से कमाई 4,20,00,000, और उसके लिए आपने मेहनत करी, 8,250 घंटे काम किया आपने, तो आपका हो गया 1 घंटा 5,090। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप 5,090 हर घंटे कमाना चाहते हैं, 120 रुपए पर घंटा कमा के ही खुश है। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज अच्छी है। तो देखिए नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे सब लोग आपको हाथ पकड़ पकड़ के आपको ऊंचाई तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये एक टीम बिजनेस है और सब लोग आपकी प्रमोशन चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस सब पे सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट होती है, सबके साथ इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। वहीं वर्क प्लेस में आपने देखा सब एक दूसरे को खींच रहे हैं, टांग खिंचाई चलती रहती है, और टांग खिंचाई में अगर किसी को गलती से प्रमोशन मिल जाए तो वो कोई खुश नहीं होता, और सब एक दूसरे से जलते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सब एक दूसरे को आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि वो आगे पहुंचे। तो नेटवर्क मार्केटिंग सही मायने में आपको जीवन जीने का एक तरीका देता है। और देखिए इतना अच्छा बिजनेस है कि कोई अगर फिजिकली हैंडीकैप है उसको भी यहाँ सफलता मिलती है। तो और देखिए एक जहां तक जॉब की बात करें तो काफी लोग 90% लोग का ये मानना होता है कि वो जॉब में जो इनकम आती है वो उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से नहीं है। तो ये यहाँ ये एक ऐसा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग कि आपको अपनी कैपेबिलिटी पूरी आप शो कर सकते हैं और पूरी उसको यूज कर सकते हैं, और इनकम आपको अपनी मेहनत के हिसाब से मिलेगी, जितना आप काम करेंगे उतनी ज्यादा आपको पैसा मिलेगी। तो देखिए नेटवर्क मार्केटिंग आपको देगा आपको भरोसा देगा जीवन भर आप एक सिक्योर्ड इनकम पा सके, इवन जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो देखिए ये एक ऐसी पैसिव इनकम शुरू हो जाएगी कि आपकी टीम में, चाहे वो आपकी टीम में हो या कहीं भी वेस्टीज में हो, जैसे वेस्टीज की बात करें तो अगर कोई सामान खरीदा जाएगा वेस्टीज से तब भी आपको पैसा आएगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी अच्छी एक नेटवर्क आपका बन गया है। जैसे अगर LIC एजेंट्स की बात करें तो LIC एजेंट्स में जब भी उनके क्लाइंट्स का प्रीमियम भरा जाता है तो उनको पैसा आता है। यहाँ पे तो आपको जब हर किसी के घर में जब सामान खरीदा जाएगा तब पैसा आएगा। तो ये इससे अच्छा और कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता।
तो यहाँ पे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी बदलेंगे, उसमें एक अलग ही आपको खुशी मिलेगी और आप यहाँ पे एक सेलिब्रिटी बन जाएंगे। लोग बाग आपको दूर दूर से सुनने के लिए आएंगे, तो इससे बेहतरीन और कहीं मिल ही नहीं सकता है। जो एक्सपोजर आपको नेटवर्क मार्केटिंग दे सकता है और जो इनकम आपको नेटवर्क मार्केटिंग दे सकता है, वो कोई और बिजनेस में ताकत नहीं है कि वो दे सके। तो देखिए, ये आज का सेशन यही तक था। मुझे आशा है कि आपके कुछ फैक्ट्स क्लियर होंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका क्यों क्या है, आपको अपना क्यों स्ट्रॉन्ग करना है और इस बिजनेस को करते जाना है। तो थैंक यू ऑल, विश यू वेल। बाकी आप अपने व्यूज बता सकते हैं।